सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रकाश महंत व्लॉग्स में। और अभी मैं बैठा हूँ अपनी टाटा एल्ट्रॉस एक्सी रिदम मॉडल में, और ये मेरा जो है वेरिएंट है पेट्रोल वाला। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपसे शेयर करने वाला और बताने वाला हूँ इस गाड़ी के एसी के एक बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट को, जो कि इसके एसी में मुझे इशू आ रहा है दोस्तों। और ये जो इशू है वो मुझे शुरू से ही आ रहा है, तो आज मैं इसी बारे में आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ अपना ओपिनियन। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज प्रकाश महंत एंड यू आर वाचिंग प्रकाश महंत व्लॉग्स। तो अगर आज का ये वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले, सर्च करें प्रकाश महंत। आपको वहां पे कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर्च करें प्रकाश महंत। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मुद्दे की। तो आज का मुद्दा जो है वो है इसके एसी के बारे में। तो इसका जो एसी का परफॉर्मेंस है पहले उसकी बात करते हैं। तो इसका एसी का परफॉर्मेंस जो है दोस्तों वो काफी बढ़िया है, काफी शानदार है। मैं इसके एसी से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जब भी मुझे ठंडा करना होता है गाड़ी के टेम्परेचर को, तो ये एसी काफी जल्दी कूलिंग कर देता है। और जब गर्मी चाहिए होती है तो इसके हीटर का परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली अच्छा होता ही होता है। तो बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट की, इसके एसी की, तो देखिए दोस्तों इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो हो सकता है मेरी ही गाड़ी में हो या फिर काफी सारे लोगों के गाड़ी में भी आपको ये नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाए। तो देखिए, मेरे गाड़ी में जो नेगेटिव पॉइंट है, जो दिक्कत मुझे आ रहा है वो है इसके पैर में जो हवा आता है ना, वो मुझे गाड़ी में इशू आ रहा है। देखिए, ये जो डायल है ये डायरेक्शन वाला डायल है, आप इसे किसी भी डायरेक्शन में घुमा दें तो ये उस डायरेक्शन पे वर्क करने लगता है। जैसे कि ये वाला डायरेक्शन देख सकते हैं, ये सिर्फ पैसेंजर की ओर हवा आनी चाहिए, और ये उसके ऊपर वाला, यहाँ पे पैसेंजर और पैर दोनों में ही हवा आना चाहिए, और ये वाला सिर्फ पैर में हवा आना चाहिए, और ये पैर में और सामने के डिफॉगर में, और ये सिर्फ डिफॉगर में। तो जैसे मैं इसको इस डायरेक्शन पे करता हूँ तो इस डायरेक्शन के हिसाब से सिर्फ यहाँ पे पैसेंजर के लिए हवा आना चाहिए, पैर में नहीं आना चाहिए। तो मेरी गाड़ी में इशू ये आ रहा है कि मैं इसे इस डायरेक्शन में करूं या इसमें या इसमें या फिर इस डायरेक्शन में, कोई से भी डायरेक्शन में मैं करता हूं ना, तो जो पैर में हवा आने का जो पाइपलाइन है वो हमेशा ही ओपन रहता है। तो बहुत दिक्कत आ रहा है मुझे कि इसके पैर में जो है हमेशा के टाइम पे ही हवा आता रहता है, चाहे मैं इसका डायरेक्शन कोई से भी घुमा दूं दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है मेरी गाड़ी के एसी में। और ये जो इशू है दोस्तों, ये शुरू से ही इशू है, जब से मैंने गाड़ी लिया है 31st of July 2020, उस दिन मैंने इस गाड़ी को लिया था और उस दिन से ही इशू आ रहा है। मैं शोरूम गया था इसका सॉल्यूशन निकलवाने, तो इसका जो नीचे का ये डैशबोर्ड वाला एरिया है इसे उन्होंने खोला है, और खोलने के बाद इसके जो दिक्कत है उसे चेक किया, तो यहाँ पर एक कुछ चीज होता है घुमाने का, वो नहीं घूम पा रहा है, जिसकी क्लिप आपको मैं आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, डैशबोर्ड खुल गया और यहाँ पर नीचे में एक राउंड सा शेप टरबाइन की तरह जो दिख रहा है वो देख रहे हैं, वही जो है घूम नहीं पा रहा है और नीचे हवा जाने से रोक नहीं पा रहा है, इसीलिए पैर में जो है हवा आती है। तो इस असेंबली को यहाँ पर मुझे पूरा चेंज करके दिया जाएगा। तो दोस्तों इस क्लिप को देख के आप सभी को समझ तो आ ही गया होगा कि इसका एसी का जो दिक्कत है वो कौन सा है। और उन्होंने मुझे ये बताया है कि इसका जो एसी का वो पाइपलाइन वाला असेंबली है या फिर वो जो भी चीज़ का दिक्कत है वो जल्दी से लगभग 2 हफ्तों में ही वापस नया आ जाएगा। और शोरूम वाले ने मुझे बोला है कि उस असेंबली को आप, उन्होंने मुझे पूरा चेंज करके देना है दोस्तों, तो उन लोग मुझे चेंज करके देंगे उस पूरी असेंबली को। तो चलिए, उसका जो असेंबली जब नया मुझे मिल जाएगा उसके बाद मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, आप मेरे चैनल पर ट्यून रहिए। और देखिए, यही था इसके एसी वाला इशू। बाकी एसी का परफॉर्मेंस और जो स्पीड है और जो नॉइस है वो उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई भी ऐसा दिक्कत अभी तक नहीं आया है। बस वो जो पैर वाला इशू है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वो जल्दी ठीक हो जाए। और इस एल्ट्रॉस से मैंने काफी सारे रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं, जैसे कि इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल का, या फिर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का, तो और या फिर नाइट के टाइम पे इस गाड़ी की सारी लाइट्स ऑन करने के बाद कैसी दिखती हैं, ये जो इल्यूमिनेशन है, ये सारी चीजें कैसी दिखती है, इन सभी का मैंने वीडियोज बना रखा है। तो प्लीज आप उन वीडियोज को भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करें प्रकाश महंत व्लॉग्स, उसके बाद लिखिएगा एल्ट्रॉस, उसके बाद मैंने जितने भी वीडियोज बना रखे हैं सारे वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश महंत व्लॉग्स। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।